किराए पे है किराए पे है दामाद जी, किराए पे है तैयार होके आवे। अगर चुरे नियर चल जाये तो लइकवा छोड़ के भाग जियो करा। माई गाड़ी आ गई, बुझाता आ गई। प्रणाम प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते। चलिए सब चल पड़ा। आगे आगे आई आई बहन जी बैठी। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा बेटा जजमान आप लोग जल्दी नाश्ता कर लीजिए। राजू आगे के कार्यक्रम शुरू कर जाओ। जी माई सुगंधा के ले आओ ना। हाँ लड़की पसंद बानू, तने बढ़िया से दिखला, पसंद बानू। बॉबी तहरा के कुछ पूछे के बाद तो पूछ ला, सिलाई कढ़ाई जानती हो? हाँ, घर के सारा कपड़ा इहे सी ले ले। गाना गाती हो? जी। देख सुनाओ। ओम जय जगदीश हरे। और डांस? हाथ गोड़ सब ठीक बा, चला के देख ली ना। त्रिभुवन लड़की तो सबके पसंद भी आ। जी आ
हम तो सख्त खिलाफ बानी दहेज के। हमके दहेज के बारे में कुछ नहीं के बात करे के। तोहरा कुछ बोले के बाद तो बोला। देखी बहन जी, देखा राजू, लड़का सरकारी नौकरी में बा और सरकारी स्कूल में क्लर्क बा। सरकारी नौकरी वाला के आजकल कितना भाव बढ़ल बा। देखा हमनी के तो कुछ चाही ना, लेकिन इस समाज के दिखावे खातिर तू लोग 251,000 तिलक में चढ़ा दिया। देखा राजू, रमेश तोहार बहनोई बने वाला बाड़े, आई साइकिल से स्कूल जात बाड़े, तो इनकरा के एगो बुलेट तू दे दिया। बाकी घर में यूज होखे वाला सामान होला, जैसे कि फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, एसी हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, ये सब तू अपना बहन के यूज करे खातिर दे दिया अपना खुशी से। ठीक बा, एमे और कुछ कहे के बात तक कहा। अब ठीक बा। जजमान, दोनों तरफ से मामला फिटे बा तो लगे हाथ सगाई कर लिया जाए। बउआ रमेश, भाई लड़की के पहना दा। एक मिनट। ऐसे मंगनी होता? अरे जीजा जी, बड़ा सही से टाइम पहनी है, सुगंधवा के मंगनी होता। तोहरा मंगनी में शामिल होके ना, तोहरा पहन के छोड़े आई नहीं हम। वो हमेशा हमेशा खातिर। अरे कैसा मजाक करता नहीं जीजा। मजाक मजाक हम कैले बाड़ी कि तू लोग कैले बाड़ा जा। अरे शादी के इतना दिन हो गए, एको लड़का ना भाई। अरे ऐसन कोनो डॉक्टर हकीम नहीं खे जाके ना देखले हो खब। पानी की तरह पैसा खर्चा कर ले बानी, लेकिन कोनो फायदा ना भाई। बस एक के उपाय बा, डॉक्टर कहता IVF करे के, जेकरा में 4-5 लाख के खर्चा बा। हमरा लगे जितना रहला सब खर्चा कर देली इनके बीमारी। देख राजू, एक बात कान खोल के सुन ले, हमरी घर वालन के खानदान बढ़ावे के वंश चाहिए, ऐसन मेहरारू ना। जहिया तोरे लगे 4-5 लाख रुपया हो जाए, ता एकरे के पहुंचा दिया हमारे घरे, आ ना ही ता एजे नैहर में रख के चिपरी पतवाई हा। जीजा जी सुनी ना, देखे ना सब रिश्तेदार तमाशा देखा करते। तकाक करी रिश्तेदार लोग के आँख फोड़ दे। शांत रहे। तोनो लोग आइल बड़ा एजा शादी करे ना, देख लिया जा, यही खेत के खेती हो। कहीं ऐसा ना हो कि बड़की बहन जैसे छोटकी बहन निकल जाए। हम जाता नहीं, यहाँ क्या रुकी? अच्छा चलन जाओ। हमने अरे रोवा कहाँ जाता नहीं, मंगनिया कल नहीं सकते। देखा राजू, हमने के थोड़ा टाइम दा, हम तहरा सब बात के खबर करा, फोन पर हम तहरा के सब बात बताई। ठीक बा, हमने के चला तानी, चला लोग। रोवा तू कहे रुकल बड़ा, चलो। निर्मला बेटा खाना खाला? नहीं माई, ई सब ना हमरे कारण भइल बा माई। हमरे भगन बानी माई, भगन बानी अपना साथी साथी अपना छुटकी बहन के भी जिंदगी बर्बाद कर देने माई। भागी नहीं बाड़ू। अरे तू तो हमार लक्ष्मी बाड़ू, लक्ष्मी। तू अपना पीठ पे राजू के लेके आईलू, और राजू सुगंधा के तू अभागिन कैसे हो सकेलू? तू तो भाग्यवान बाड़ू, भगवान हर माँ बाप के तोरे जैसन बिटिया दे। और राल बच्चा के बाद तो ब्रह्मा के लिखल के मिठाई। एक न एक दिन भगवान तुहार बोध जरूर भरिए।
हमार बिटिया भागंडा हो सके। काहे रोवत अड़े रे, ते हमरा हाथ पर राखी बांधे में राखी एगो डोर ना विश्वास। हम जाना तानी कि वक्त के पेड़ से कुछ दुख के पत्ता हमने के ऊपर गिरल बटे, पर खुशी के कोपड़ जरूर खेली, जरूर खेली। ये तोरा भाई के विश्वास है। रजुआ सुनली हा तोहार छोटकी बहन सुगंधवा के रिश्ता टूट गईल बा और बड़कियो ससुराल से वापस आ गईल बिया, तहरा त डबल झटका लागल बा बेटा। राजू बाबू राजू बाबू सुनले बानी कि राउर बहिन के मरद छोड़ देले बाड़े। साज बाका सुन के बड़ा दुख होता। सुगंधा। हाँ भैया। तनी पानी ले बे हाथ धोए के बा। ले आओ तनी। सुगंधा, ए। तनी हमारे दुचार को कपड़ा एको बैग में रख के ले आओ तो जो। ठीक बा। काहे? मामा के यहाँ जात बड़ा का ना माई, दिल्ली जाता नहीं। दिल्ली का करे? काम करे, पैसा कमाए। काहे यहाँ काम ना बाका? बा माई, खेती करे के बा, गेहूं काटे के बा, धान काटे के बा, बाकी उसे पैसा ना कमाई जा सकेला माई। हमरा अपन दोनों बहन का उजड़ल घर बसावे खातिर जितना पैसा चाहिए वो खेती से ना सकेला माई। ए राजू, हम नैहरे के माटी में जी खा ले, बाकी तू हमने के छोड़ के कहीं मत जाइया। ते हमरा के रोक के वो बहिन होके के फर्ज अदा करता है, बाकी हमरो तो कुछ फर्ज बनेला। बाबूजी ने कहा था काब है, हम तो नहीं के कोनो कमी ना हो खेली। हमरा के मत रोक माई, अगर आज हमरा के रुकवा सना हम कभी ना जा पाए। हमरा के अपना दू गो बहिन के घर बसावे के बा, एगो बहिन खातिर नया घर ढूंढे के बा, ते एगो बहिन को उछड़ल दुनिया बसावे के बाटे माई। हमरा के जाए दे माई, जाए दे। रो मत माई, ते हमरा के आशीर्वाद दे दे बना तो हम दुनिया जीत ले। Thank you.
सारी सारी रात दारू की होगी बरसात, वोड़ का यारों लोगन खत्म, पार्टी मना लो मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा लेता है क्या, लीटर के लीटर लिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज किए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज किए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा। मैजिक लगाओ, डीजे तो बजाओ, कमर हिलाओ बसी बीट पे, कोई ऐसी पार्टी नहीं देगा, मौका ऐसा कभी न मिलेगा, लाइफ में तुमको मिलेगी दोबारा, जी भर के दिन जिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज पिए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज पिए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा। Floor, baby, get the noise, please dance, 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 please dance, come on. बात भी न करती हूँ फ्रेंड से, दूर रहूँ मैं तो बॉयफ्रेंड से, लड़कों को है उंगली पे नचाना, मैसेज ये सबको दिए जा, back to back पूरे बैग आज किए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज किए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा, बैक टू बैक पूरे बैग आज किए जा, नाइट लाइफ ऑल टाइम स्वैग से जिए जा। जातिया रात भर दारू पी के सवेरे घर आवतिया, रोज हम गंगा जल छिड़क के घर के सफाई करतानी, शुद्धिकरण करतानी, और रोज ही घर के असुका देतिया। जमुना आगे नहीं माई। हाँ माई, एकदम सही कहा तारू, बिगड़ गई बिया। अच्छा, बिगड़ गई बिया, खुद बिगाड़ दी हले, कह ताड़े के बिगड़ गई बिया। एकरा के सुधारे के एक के उपाय बा, मुका शादी, करेक्ट डिसीजन बाबू, बैड डिसीजन बेटा। जमुना कर विदाई, कर वोट विदाई दादी, शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। दादी मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर शादी के बाद विदा होने के खिलाफ जरूर हूँ। ये क्या रूल है कि एक लड़की जो अपने माँ बाप के साए में पलकर बड़ी होती है, एक दिन उसके अपने ही माँ बाप उसे किसी गैर के साथ विदा कर देते हैं शादी के नाम पर, और फिर उसका अपना ही घर उसका मायका हो जाता है, और उसकी एक नए घर में एंट्री होती है जो उसका ससुराल बन जाता है, और वहाँ उसको रेडीमेड मम्मी पापा मिल जाते हैं सास ससुर के नाम पर, और फिर एक लड़की जो एकदम बिंदास रहती है, पार्टी करती है, घूमती है, लिहाज में रहना पड़ता है उसको। नहीं रहना मुझे, नहीं करनी शादी मुझे, बुलशिट। लेकिन फिर भी
अगर आप लोग चाहते हैं तो करूंगी मैं शादी, लेकिन उस लड़के से जो ये सब काम मेरे लिए करेगा मेरे घर आकर। विदा होके मैं नहीं वो आएगा, उसका अपना घर उसके लिए मायका और मेरा घर उसका ससुराल होगा। मेरे चाय से लेके मेरे जूतों से लेके मेरे कपड़ों तक का सबका ख्याल वो रखेगा। मेरे पापा को अपना पापा और मेरी दादी को अपनी दादी कहेगा। अगर ऐसा लड़का मिल गया तो कर लूंगी मैं शादी। कहाँ मिली ऐसा लड़का? वो मिल जाए माई। पापा मैं बताती हूँ ना, वो मैट्रिमोनियल एड नहीं देखा आपने? हाँ। वो होता है ना सुंदर सुशील कन्या चाहिए शादी के लिए, 5 फुट 6 इंच, गृह कार्यों में दक्ष, वैसा ही एड आप दीजिए। एक सुंदर सुशील पार्टी करने वाली दारू पीने वाली एक अमीर लड़की के लिए टॉल डार्क हैंडसम वर आमंत्रित है, और दहेज देंगे हम 15 लाख रुपए। यस बेटा करेक्ट। और कुछ शर्तें और रहेंगी, लड़का मिल गया तो उसको बता दूंगी। ठीक है दादी। ओके पापा। यस बेटा। अब मैं जाऊं? यस। थैंक यू पापा, आई लव यू। बाय बाय दादी। का ठीक बा? एक बार शादी हो जाए दा माई, सब ठीक हो जाए। ₹10। बारे में बता दूं, वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बता देती हूँ। मैं हूँ साक्षी और ये है मेरे डैड जमुना दास जी, और मेरी दादी तो आई नहीं है क्योंकि उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। यू नो पुराने ख्यालात के लोग ये सब देख नहीं पाएंगे। बाय द वे आप सभी भावी वरों का स्वागत है जो कि 15 लाख रुपए के लिए यहाँ आए हुए हैं, और साथ में एक खूबसूरत बीवी भी मिलेगी। क्या बात है। वैसे यही काम दहेज का आप तब भी करते हैं जब लड़की विदा करा के ले जाते हैं, पर मैंने इस रस्म को थोड़ा सा चेंज किया है। दहेज में 15 लाख तो आपको एकदम मिलेंगे, लेकिन विदा होने की रस्म में थोड़ा सा बदलाव है। पूछो पूछो। क्या? अरे पूछो ना। नहीं पूछना, ठीक है मैं ही बता देती हूँ। विदा होके मैं आपके घर की बहू नहीं बनूंगी, लेकिन आप लोगों में से जो लकी होगा वो मेरे घर का घर जमाई बनेगा, है ना डैडी? यस। लेकिन 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 शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ओके डन। और हाँ सबसे अहम बात, इस शादी के 6 महीने के दौरान में ये ख्याल भी मन में नहीं लाना कि सुहागरात नाम की कोई चीज भी होती है। मुझसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और अगर गलती से हमारा हाथ टच हो जाए तो उसे हमारी बेतकल्लुफी समझ लेना। अब सभी लोग ध्यान दें कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में शादी के कोई भी पारंपरिक रस्मों रिवाज नहीं होंगे,
और वो सारे काम करने होंगे जो कि एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, जैसे कि झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, खाना बनाना, सबकी सेवा करना, हाथ पांव दबाना, मेरे नहीं, मेरे छोड़ के। और इस 6 महीने के दरमियान मैं ये तय करूंगी कि मुझे इस शादी को आगे बढ़ाना है या नहीं। अगर आप मेरी शर्तों पे खरे नहीं उतरे तो ये शादी अपने आप टूट जाएगी विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। और अगर आप में से किसी को मेरी ये मामूली सी शर्तें मंजूर हो तो वो सामने आ जाए। नहीं, नेवल, हमसे नहीं होगा। राग रात नहीं तो शादी नहीं। ऐसे 15 लाख नहीं चाहिए। नहीं बनने के घर जमाएं। जी नमस्कार। नमस्ते। नाम क्या है आपका? राजू। सारी शर्तें सुन ली आपने? जी। मंजूर है? जी। ओ 15 लाख रुपया। देखा डैडी, पैसा बोलता है। मिल गया आपको घर जमाई? यस बेटा। और हाँ, ये आप मैंने आपको पहली और आखिरी बार बोला है, ठीक है? शादी मुबारक हो। जी। मुबारक हो। साक्षी की सारी शर्तों के साथ आज से आप लोग 6 महीने के लिए पति पत्नी हुए। अब राउर हो गई, अब हमार रसम बाकी बा। दादी, ये सब क्या है? बहुत शुभ होला, चल माला पहनावा। ए बेटा, तू हुला। ए बाबू, मांग भर दा। पापा। बेटा प्लीज, थोड़ा प्लीज बेटा। लो बेटा। ए, रुको, थोड़ा करो इसको। चले दादी। ना, अब तनी मुंह मीठा कर ला। लखा ला। ला बाबू, तू हूँ खाला। डैड। यस बेटा। ये लो, तुम्हारे 15 लाख दहेज की रकम। आज से तुम जमुना दास जी के दामाद हुए, सारी शर्तों के साथ, किराए के दामाद। चले। कलश के पैर से मारा और अंदर आवा। डैड, ये सब रस्म और रिवाज मैं नहीं करूंगी, मेरे शूज खराब हो जाएंगे। और वैसे भी विदा होके तो तुम आए हो ना, तुम करो। जमुना, अपना बेटी से दामाद के सिंदूर का है ना लगवा देला। प्लीज बेटा, कर लो ना। डैड। ओके बेटा, ओके। माई ऊ करे चाहे ई करे, एक के बाद घर में आ जाए दाना। आवा बेटा। सुन लिया, तो अब करो ना। जी मैडम। आवा बेटा। किराए पे है Cheers. एक शॉट साक्षी के सुहागरात के नाम। जा तो सही, वो वेट कर रहा होगा। सुहागरात, माय फुट।
खा रही हूँ मैं। क्या सोचा था, दूध का ग्लास मिलेगा? वो तो नहीं है। अच्छा बता क्या पिएगा? रम, विस्की, वोडका, वाइन, क्या पिएगा? मैडम जी हमें कुल ना पिए। अबे दूध के दांत टूट जाने के बाद ना दूध नहीं दारू पीते हैं, समझा? अबे कैसा आदमी है तू, 15 लाख रुपए के लिए खुद को बेच दिया। शर्म नहीं आती तेरे को? चल उठ, आउट, नीचे उतरो, बिस्तर लगाओ। जी मैडम जी। और हाँ ओए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, समझा? 1 मिनट गिफ्ट। सारे नौकरों को छुट्टी दी है, अब कल से मेरा ख्याल रखना, ठीक है? ड्यूटी पे आ जाना, करते याद है ना सारी? सबके बीच में बंद कमरे में, साफ डिस्टेंस, 3 फीट 6 फीट साफ, ओके? गो गेट लॉस्ट इडियट सुहागरा। दिल के बुरा नहीं की, बस रवा के रोरे पैसा के घमंड बा। हम कोशिश करब कि रवा के 6 महीना में इतना प्यार दें कि रोर सीरत पे रवा सूरत की तरह खूबसूरत हो जाओ। और हाँ, रहल सुहाग रात के बाद तो भैया भोजपुरी अंदाज जिंदाबाद। बदनिया जान,
झिन 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 मिन झल के बदन बढ़े हो उद्वेग जिया के सब धान हावे पिया के तोहरे बगज बेचा तू मन हो ताज बेचा तोह से बाप्या किस्मत हमार अपना के करने झिल मिल झिल मिल झल के बदनिया जान झिल मिल झिल मिल झल के बदनिया जान। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारें तेरे भक्त जनों पे माता भीर पड़ी है भारी सौ सौ सिंहों से है बलशाली मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली बचाने वाली दुखियों के दुख निवार दियो मैया उतारे तेरी आरती प्रेम से बोलो दुर्गा मैया लक्ष्मी मैया जय। अरे दादी जी हम तोरा के का आशीर्वाद दी बेटा ए घर में हमरा बात तू ही एगो पहला इंसान बाड़ा जे भक्ति के धारा बहेले बा ना तो हमार बेटा ओकरा तो नोट गिने से फुर्सत नहीं और पोती के दारू पार्टी से फुर्सत नहीं खे ए बेटा तू कुछ ऐसन करा कि ये रिश्ता निभ जाओ। जीता दे प्रसाद ऐसन दामद सबके दिया माता रानी बहुत अच्छा लड़का बा राजू। या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण सस्ता नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखल जाओ मैडम जी का गिफ्ट लेल बड़ी भाई बाप बेटा नाम के बानी हम भतार किराया पर ही सही। मैडम जी सगरे नौकरन के छुट्टी देके हमरा के खुदे नौकर बना दिली बाकी थोड़ा स्टैंडर्ड वाला कोनो दिक्कत नहीं है भैया ये पहर कब लग जाता नहीं काम पर पापी पेट के सवाल बा काम तो कर ही के पड़ी। जय राम जी की। इतनी जोर से पूजा कौन करता है। सॉरी। नाइस टी। थैंक यू। अरे राजू जी मेरी ना फ्रेंड्स आ रही हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ ठीक है। जी वो कोई रिवाज भी होता है ना वो क्या नई बहू का खाना बनाना क्या कहते हैं उसको बहु भोज। हाँ बहु भोज वो भी हो जाएगा और मेरी फ्रेंड्स का स्वागत भी हो जाएगा है ना। अ कल्ट टू एक्ट मतलब एक पंथ दो काज। जी ओके ए सुगंधा फोन देता माई भैया का फोन है भैया माई पैसा हम भेज दे लेवानी 4 लाख दे दिया के यहाँ भेजवा दिया होकर इलाज हो जाए
और बाकी के पैसा से सुगंधवा के ब्याह धूमधाम से करिए। अरे वो सब तो ठीक बा, बाकी तो अपन सुगंधा के ब्याह में ना आई बा। ना माई, नया नया नौकरी लागल बाटे तो टाइम ना मिल पाए। वैसे भी हमारी अहिले का टेंशन मत ले तू। राजू एगो बात बतावा, तू इतना पैसा भेजला कहाँ से? अरे भाई हमार जैसे ठानी बाड़ी ना, वो बहुत ही दयालु बहुत ही अच्छी बाड़ी। हम उनका के अपन समस्या बतौनी और वो हमारा के पैसा दे दहली। बाकी माई हम 6 महीना तक एगो कॉन्ट्रैक्ट पर बानी, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बा कि हम एजा से हिल ना सके नी, ठीक ना? हम आई चाहे ना आई सुगंधवा का ब्याह धूमधाम से करे, कोनो भी प्रकार के कमी ना होके चाहिए। गोल लगा देने माई। हेलो 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 राजू। माई राजू का कहलस बताओ ना। हाँ माई भैया का बोल ले? बोलत रहे पैसा तो भेज दे ले बा, हाँ। बाकी सुगंधा के ब्याह में ना आ पाई, हाँ? बाकी इतना पैसा वो कहाँ से भेज देलस? बोलत रहे सेठानी बहुत बढ़िया ब्याह, कौन काम करामत हुई? तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और बीबी सोएगी टांग पसार और मियां खाना पकाएगा। अरे राम अरे राम राम। अरे ससुर जी रहुआ आईजा। ई का करत नहीं दमाजी, इतना सब्जी बनावता नहीं? देखी रौरी ये बहू के आज बहू भोज बा, और बेटी आई मीन राउर बेटा आज अपना सहेली लोन के साथे खाना खाइए। तो कहलिए कि खाना वाना बना के रखी है, तो खाना पीना की तैयारी में लागल। बुझ गई नहीं बहू, भोज के भी रसम तोरे दिभावे के बा। हां सही बुझनी है रहुआ। दमाद जी एगो ऑफर बा। ओ का? सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया जा। ए ससुर जी रहुआ काहे के टेंशन लेता नहीं, राउरी दामाद राजू मल्टी टैलेंटेड लड़का। हां खाना ऐसा बनाई ना कि जितना जनी आओ तरी लोग एकदम अपन अंगुरी चाटत चाटत जाई लोग। वाह बेटा वाह। दमाद जी रहुआ जनते बानी हमार बेटी बहुत बिगड़ैल बिया, ओकरा चलते कोई भी दिक्कत हो तो ओकर हम क्षमा मांगत हनी। रहुआ ई का करत हनी? कोनो दिक्कत होए ना तो हमरा से बताई जी। ठीक बा बनाई बनाई खाना बनाई। लजीज और टेस्टी खाना किसने बनाया है? ये मेरे दामाद राजू ने बनाया है। साक्षी यू आर सो लकी जो तुझे राजू जैसा हस्बैंड मिला। काश मुझे भी राजू जैसा हस्बैंड मिलता। नैना वो साक्षी का हस्बैंड है, कोई भंडारे का प्रसाद नहीं जो हर किसी को मिल जाएगा। यार वैसे खाना तो बहुत टेस्टी है लेकिन अब मुझे मजा नहीं आया। क्यों क्या हुआ? यार वो कल रात को सोते वक्त ना गर्दन में थोड़ी मोच आ गई थी। अरे मैडम मोच भगावल तो हमारे दाएं बाएं हाथ के खेला बाटे, खड़ा होकी तो यस यस घूम जाई। हाँ देख के एकदम फ्री छोड़ के खड़ा रही, कैसा लगा था? बढ़िया बढ़िया। एक मिनट के बस बात बा। तन है अपन गर्दनिया तन फ्री रखी। कूल 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 यस। अब देखी था यार राजू तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे भोजपुरिया हाथ के जादू है। बैठी अब दबा के भर पेट खाना खाई। ए राजू बेटा हमरो घुटना में बड़ा दर्द रहेला, चले फिरे में बहुत दिक्कत होला। अरे दादी पहले ना बतावल चाहत रहला, बिहने ले इंतजार करी। काल सवेरे पतीली में नीम के पत्ता डाल के पानी गरम करके रौरी गोड़ के सेकाई कर दे, एक मिनट में दर्द गायब। आज से ना हम इसको राजू नहीं डॉक्टर राजू कहेंगे। ओके 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 चलो अब हम लोग चलते हैं। और तुम शाम को हमें मिल रही हो ना पब में साक्षी? हाँ आऊंगी ना। नहीं हमें लगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई तो पति के डर से तुम नहीं आओगी। पति माय फुट, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो पति से डरती हो। ठीक है फिर हम लोग रात को मिलते हैं तुमसे पब में। यस ओके बाय साक्षी। बाय साक्षी बाय। अच्छा बाय 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 संभार के जाइब सबे चलो। हाँ हाँ बाय। घरेलू उपचार की दुकान खोली हुई है, क्या जरूरत थी उसकी गर्दन ठीक करने की? मैडम जी हम तो बस मेहमान के मेहमान नवाजी करते रहनी है,
वो तकलीफ में रही है और उनका तकलीफ हमसे देखा ना गई है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? स्टे अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स। और कान खोल के सुन लो, अगली बार ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेल्प करेगा। राजू राजू, सैंडल कहाँ है? सैंडल लो फटाफट। मेरी घड़ी किधर है? आप घड़ी? हाँ। ब्रेसलेट? घड़ी इधर बा। ब्रेसलेट दो जल्दी। ब्रेसलेट जी इधर। और परफ्यूम किधर रखा है? परफ्यूम? अच्छा ठीक है, मेरे कपड़े दो जल्दी से। राम 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 राम, घोर कलयुग आ गिल बा, अपना पति से सैंडल मांगतिया। ली मैडम जी। मैं साड़ी पहनूंगी, ड्रेस दो। इडियट जी। तुम्हारे सामने चेंज करूंगी, गेट आउट जी। अरे दादी रुआ ईजा। बेटा कितना गम साहबा, हमके सब पता बा। अरे हमरा कुछ गम नहीं खे, चलो तार गोड़ दबाओ तनी आवा। अब बतावा दादी, घुटना के दर्द में वही दिन से आराम भइल बा कि ना? अरे तुहार हाथ में जादू बा। आ गईल बनाचारी, अब रात भर जाई पी ही और सवेरे आई। जा पूछ ला कुछ खाई। हाँ पूछा तनी मैडम जी। दादी पूछे तारी राती के खाना खाई ना? मैं खाना खा के आऊंगी, तुम खा लेना और ऊपर जाके रूम की साफ सफाई कर देना जी। बाय दादी। ये दादी इस सच्चों में बना चरिया का हो ना तक चट्टू के। हेलो, हाँ किधर हो? व्हाट, नहीं आ रही? मुझे बोल के खुद ही नहीं आ रही। मत आओ, भाट में जाओ। बाय। नसीबा के रोवे, जिंदगी डोवे नसीबा के रोवे, रतिया के नींद चैन दिनवा के खोवे। कोनो रास्ता सुझाला नहीं ऐसन चौराहे पे है दामाद जी। किराए पे है दामाद जी। किराए पे है मैडम जी संभाल के। डोंट टच मी। मेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? रवा कीरे वाला रानिया मैडम जी। मैं गिरूं या मरूं तुम्हें इससे क्या खबरदार, अगर दोबारा ऐसा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी मैडम जी। बेवकूफ। हर बार हाथ लगाता है
इसको लगता है यही संभाल सकता है मुझे। तोड़ दूंगी एग्रीमेंट 6 महीने से पहले। इडियट। विधाता दिनवा काहे के देखवलो सौसे मरद ओके मेहबी बनवलो का जहलस का देखबई अंगुरी के नचना हो गई सुबह से कुछ मुँह में गया न अब तक खाली चाहे पे है दामाद जी किराए पे है दामाद जी किराए पे है क्या बात कर रहे हैं दिन भर के काम करके थक जाला दे हो पोछे ना पसीना कबो जेली ना शनि हो भैया देखा हमारी शादी हो गई। अरे सुगंधा हाँ खुश रहो शादी में ना आईला हाँ वो नौकरी से टाइम ना मिल पावले ऐसे ना आईला दिन भर के काम करके थक जाला दे हो पोछे ना पसीना कबो जेली ना शनि हो दिन भर के काम करके थक जाला दे हो पोछे ना पसीना कबो जेली ना शनि हम तो बालल बनी थे लगाड़ी अपने पेरी पे मरनी कुलाड़ी कब लो चलेगा इनका गुजारा साल भर की 6 माहे पे है दामाद जी किराए पे है दामाद जी किराए पे है कुछ तो झोल है ए हाँ ये रहल गर्मा गर्म लिट्टी चटनी वाह लिट्टी चोखा खा के ना गांव के याद आ गई कैसे हंडी के दाल चलत रहे गोईठा पर लिट्टी से कात रहे आज लिट्टी चोखा खा के गांव के याद ताजा हो गई कितना नीक लिट्टी चोखा बनौले बड़ा स्वाद गजब बा बहुत बढ़िया बनैले बड़ा अब दादी गौरी ला ना 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 ए उम्र में अब ऐसे ज्यादा ना खा पाई हम अच्छा ठीक बा रहुआ ले गांव का खाना इतना टेस्टी होता है इसीलिए ये इतना हट्टा कट्टा है माई राजू हमने कितना बढ़िया खाना बना के सरप्राइज दे लेना तो हमनियों के इनका सरप्राइज देवे के चाहिए हां हनीमून के परमिशन अरे तो हम हूँ आशीर्वाद देता नहीं व्हाट परमिशन डैड मुझे आज तक कोई काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है क्या अगर मुझे जाना होता तो मैं चली गई होती मैं इसके साथ हनीमून पे जाऊंगी कभी नहीं
और वैसे भी ये शादी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है। अरे बेटा, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे शादी किया है ना, उसी तरह कुछ शर्तें रख के हनीमून पे भी चली जाओ। नो डैड, प्लीज नेवर। मेरा बेटा प्लीज, हमारे दोस्त यार बहुत बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी अभी तक हनीमून पे नहीं गई। प्लीज मेरे खातिर बेटा, प्लीज चली जाओ, कुछ शर्त रख कर चली जाओ। ओके डैड, चली जाऊंगी, पर मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जाएंगी। ओके बेटा, डन। स्वागत है खानबेल रिजॉर्ट में, आप चलिए हम आपका सामान पहुंचा देंगे। गेट लॉस्ट, मेरे पास मेरा नौकर है। नौकर कौन? मेरे किराए का पति। किराए का पति? राजू, सारा सामान लेके रूम में आ जाओ, लेट्स गो। चलिए महोदय, हम बानी ना काम। किराए की दुकान, किराए का मकान, किराए की दुकान, किराए का मकान। कपल नाइट कॉम्पिटिशन। साक्षी, तू भी राजू के साथ पार्टिसिपेट करना। Are you mad? मैं उस गवार के साथ पार्टिसिपेट करूंगी? कभी नहीं। और वैसे भी वो सिर्फ मेरे नाम का पति है और नाम का ही रहेगा। हाँ, हम कोई कपल वपल नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे रिजॉर्ट की तरफ से जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है उसका नाम है कपल नाइट्स। वो कहते हैं ना, चूड़ियां बनती हैं और जोड़ियां बनती हैं ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज का कंपटीशन। मेरे दिल की धड़कन और मेरी खता हो तुम, मेरे दिल की धड़कन और मेरी खता हो तुम, और मेरी पहली और आखिरी। अरे यार क्या बोलते हैं, टाइम आउट टाइम आउट। पहले कपल ने तो दे दिया फटका, आइए देखते हैं दूसरे कपल का झटका। आपकी हसीन जुल्फों को, आपकी हसीन जुल्फों को अपने चेहरे पे गिराए रखना, हम गुमनाम आशिक हैं, आंखों से चूम लिया करते हैं। हमारे जो अगले कपल हैं, उनके साथ उनका महबूब नहीं है, फिर भी वो अपने महबूबा के लिए कुछ कहना चाहते हैं। न जाने मुझे क्यों गुमानो यकीन है कि आशिक मुझ जैसा कोई नहीं है। न जाने मुझे क्यों गुमानो यकीन है कि आशिक मुझ जैसा कोई नहीं है। करता हूँ रब का दीदार तुझ में, तू लगती मुझे इस कदर दिलनशी है, तू लगती मुझे इस कदर दिलनशी।
तोहरा बिना हम रही अधूरा हरानी हो, तोहरे नावे कोई देले बानी जिंदगानी हो। तोहरा बिना हम रही अधूरा हरानी हो, तोहरे नावे कोई देले बानी जिंदगानी हो। बस पूजी ले कही पारा ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। जे नहीं पाइबू कितना प्यार हम करीले, तोहरे भजन कुर्बान हम करीले। हमसे ज्यादा प्यार करे वाला कतहू ना पाइबू, हमरा नियन दिलवर के कितना तड़ पाइबू। भोला तोहरे से साझ बिहार, ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। तोहरा नजर में तोहरा लायक हम नहीं खी, जान लहे जान हम के हुसे कम नहीं खी। कुछ दिन के बाद जवानी भल जाही रानी हो, इतना गुरूर ठीक नहीं खे, छोड़ दाना दानी हो। बोला कबले पुराई बुआ रामा, ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। ए धनी हो, तू ही हमार जान बारू, तू ही भगवान। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज के विजेता का नाम घोषित करने का। आप जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा मिस्टर राजू जी का। गिव हिम अ बिग हैंड। मिस्टर राजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम गाना गौनी है, रहुआ सभी इतना बढ़िया डांस पेश कैनी है कि हमारे गाना में चार चांद लग गए। दिल से रहुआ सभी के धन्यवाद बटे। रहुआ सभी के दिल से धन्यवाद जोने अवार्ड खातिर हमरा के सिलेक्ट कैनी है सभी। पर ये अवार्ड हमरा के हमार धर्म पत्नी साक्षी जी के हाथ से मिले तो हमके ज्यादा खुशी हुई। जी जरूर, आप तो विजेता है, आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। मिसेस साक्षी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर आकर आप अपने हाथों से अवार्ड दे। साक्षी जी, आपके हस्बैंड ने जो बेस्ट कपल का अवार्ड जीता है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस बारे में दो शब्द कहें। जी बिल्कुल, दो शब्द क्या, इनके बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ये अवार्ड देना जी। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरे किराए का पति है। मैंने इसे 6 महीने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रायल पे रखा है। मेरा मन करेगा तो मैं इसे रखूंगी, और मेरा मन नहीं किया तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली डाइवोर्स हो जाएगा बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी औकात है ये यहाँ इतने बड़े क्लब में आए? ये गांव का गवार, गली के नुक्कड़ पर 5 रुपए की चाय पीने वाला, इसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। ये कुर्ता पजामा पहनकर गमछा डालकर घूमने वाला, इसको ये कपड़े ना मैंने दिलाए हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे कपड़े ना मेरे घर में नौकर पहनते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मेरी इज्जत करता है? जी नहीं, ये मेरी गुलामी करता है। इसकी आंखें खुलती हैं तो मेरे इशारों को समझने के लिए, इसके पैर चलते हैं तो मेरे आदेशों का पालन करने के लिए, और इसके हाथ उठते हैं तो मेरे घर का और मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। सब कुछ खरीद लिया है मैंने इसका, सब कुछ। इसका जमीर भी खरीद लिया है मैंने। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हो गई पार्टी, चलिए। तू मेरा भगवान, तू मेरी जान, तू मेरी जिंदगी, राजू, राजू, अरे राजू, राजू, ओ, रो रहे हो? ओ लुलुलु, मेरा बेबी, ओ, माजो, मेरा बेबी, ओ, मेरा बेबी, सोना, डार्लिंग, आजो। मेरा बेबी, मनाना पड़ेगा। ऐसा करते हो ना तुम लोग जब अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरे गुलाम हो, मेरा जैसा मन आएगा तुम्हें वैसा यूज करूंगी अपनी खुशी के लिए। तुम मेरा खिलौना हो, जैसा मन करेगा खेलूंगी तुम्हारे साथ। मैडम, मैडम जी कुल का कर रहे, मैडम जी कुल ठीक नहीं खेल। चुप, तू बताएगा क्या सही है क्या गलत? रोगा दारू पीले मनी मैडम जी, एक कुल नशा में कल ठीक नहीं खेल। तू मेरा गुलाम है, समझा? इस सूत के उठी ना तो परमाणु बम जैसन हमरा पर फूटी, असगरो दोस्त हमारे कपारे पर मढ़ दे। हे भगवान, तू तो देखले रहला ना प्रभु, हमार कोनो दोष नहीं, बचा लिया दीना। राजू, चाय ऑर्डर करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, वॉक पे जाना है। भगवान, भुंगना फूटल? राजू, एकर मतलब राती का युद्ध दुश्मन देश के पता नहीं खे? हाँ मैडम, एक मिनट। हे भगवान,
थैंक यू। जी जी मैडम, कॉफी चाहे? चाय ऑर्डर करो। हेलो, हाँ रूम नंबर 303 में एक कप चाय। मैडम हम रोरी वॉक पर जाए के सामान की तैयारी कर रहे थे। जल्दी। अरे ये रजवा भी ना दिल्ली का गई, हमरा के भुलाइए गई बा। हेलो हेलो, हाँ माई कैसन बाड़े? माई हम ठीक बानी, ते कैसे बाड़े? एगो माई कैसे रही अपना बेटा के बगैर? अरे बेटा, निर्मला अपने घर चल गई, सुगंधा अपने घर चल गई, दोनों के घर बस गए बा। तू बियाह करके अपन घर बसा लेता ना। हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो माई, नेटवर्क का प्रॉब्लम बा, आवाज नहीं खेव। हेलो हेलो, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे हमको पता है मैडम, आप बहुत रिच हैं। पति भी रखती हैं, वो भी किराए पे 6 महीने के। हमको भी रख लीजिए, हमको भी रख लीजिए। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा टोटल 6 घंटा। You rascals, what do you mean? अब ये भी हमें समझाना पड़ेगा। दिक्कत हो भाई? दिक्कत? ओहो, लग गया नौकर काम पे। ए किरायेदार, इसका ठेकेदार मत बना। वैसे भी ये तुझे अपना पति मानती नहीं, हा? नौकर मानती है। एक काम करना, 2 घंटे के लिए हमें ठेकेदार बनने देना। मानता नहीं कि हम होकर किराया के पति, मानता नहीं कि वो हमरा नाम के सिंदूर ना लगा, मानता नहीं कि वो हमरा साथे साथ तो खेला नहीं खेला। बाकी शादी भाई बा 6 महीना खातिर तो हम ठेकेदार हैं, ससुर ठेकेदार हैं। मुझे अब यहाँ नहीं रहना राजू, घर ले चलो प्लीज। तुम रख दो राजू। राजू
दादी। अरे साक्षी बेटा तू आ गई लो। हाँ दादी। बाहर सफर कैसन रहा? बहुत अच्छा। डैड। यस बेटा। डैड। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बहुत अच्छी हूँ डैड। रहा सफर? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जा बेटा जा, आराम करो। अरे जमुना बेटा। हाँ माई। हमरा तो लगा था कि साक्षी के दिल में राजू खातिर जगह बन गई बा। ठहर माई, अभी जाके पूछा था। राजू प्रणाम। खुश रह। प्रणाम। खुश रह। अरे बेटा हमके तो लगा था साक्षी के दिल में तोहरा खातिर प्यार जग गई बा। हम सामान जा, आराम, आराम कर, आराम कर, थक गए। देख लो माई, हम कहत रहनी नू शादी के बाद सब ठीक हो जा। क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह बुलाया? बताती हूँ डैड। का सुबह सुबह बुला बताड़ू? बताती हूँ दादी, बताती हूँ। राजू को भी तो आने दो जी। डैड आज शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाऊं कि मैं राजू के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी या नहीं। डैड राजू बहुत अच्छा इंसान है। राजू के संस्कार, राजू का व्यवहार, राजू के काम काज का तरीका सब मुझे बहुत पसंद आया। राजू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत लकी होगी वो लड़की जिसको राजू जैसा पति मिले। लेकिन डैड मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा, सब पैसों के लालची हैं। अब देखो ना दादी, पैसों के लिए राजू जैसा इंसान भी बिक गया। और वैसे भी डैड, राजू जमीन है तो मैं आसमान, राजू पूरब है तो मैं पश्चिम। हम दोनों नदी के वो दो किनारे हैं जिनका मिलन हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं ये एग्रीमेंट फाड़ती हूँ। और वैसे भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज तो है नहीं, तो आज से हम दोनों फ्री, राजू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खबरदार साक्षी, बहुत हो गई तोहार नौटंकी। राजू के ऊपर कोनो लांछन लगेलू तो ठीक ना होई। राजू लालच में किराए के दामाद नहीं खे बनल, वो अपना दूगो बहिन के घर बसावे खातिर खुद के बेच दिहलस। एगो भाई और बहिन के रिश्ता कैसन होके के चाहिए, एगो माई और बेटा के रिश्ता कैसन होके के चाहिए, एगो पति और पत्नी के रिश्ता कैसन होके के चाहिए। अगर केहू के सीखे के बा, केहू के जाने के बा, तो राजू के पढ़ो। ए बेटा, तू तो ई घर के दामाद बने लायक बड़ा, लेकिन ई घर तोहरा के अपन दामाद बनावे लायक नहीं खे। तू जा ई घर से। बहुत सही मैडम जी, बहुत सही। हमरा जैसन इंसान के यह सिला मिले के चाहे। फर्क तबा अमीरी और गरीबी के फर्क बा हमनी के बीच में, विचार और संस्कार के फर्क बा हमनी के बीच में। अरे तोहरा जैसन लड़की अपना बड़ बुजुर्ग के कभी प्रणाम तक ना कैलस, और हमरा जैसन देहाती गंवार लड़का वही बड़ बुजुर्ग के पैर के नीचे के मिट्टी के अपना माथे से लगावेगा। मैडम तोहरा जैसन लड़की पैसा के इस्तेमाल रिश्ता के तोड़े खातिर करेल, और हमरा जैसन देहाती गंवार लड़का वही पैसा से रिश्ता के जोड़ेला। मैडम कोनो रिश्ता ना कुदरती मौत ना मरेला, इंसान मारेला ओकरा के। कबो अपना गलत फहमी से, तो कबो ओकरा के नजरअंदाज करके।
अरे लोग तक कुत्ता और बिल्ली पालेला तो उसे मोहब्बत हो जाला, लेकिन तोहरा के हमरा से मोहब्बत ना भाई कोनो बात नहीं है। जरूर कुछ कमी हमरे में रहल हुई, जरूरी नहीं है मैडम जी कि हर रिश्ता के नाम हो के। कबो कबो बेनाम रिश्ता भी जिंदगी जिए खातिर बहुत बड़ चीज हो जाला। बहुत अजीब बाटे ये दुनिया हो, केहू अपन पूरा जिंदगी गुजार देला रिश्ता के अहमियत समझे खातिर, और केहू मतलब खातिर रिश्ता बनावे ना। गांव के मस्त मौला राजू भानी, हम आपके एगो बात बतावल चाहता नहीं। रोरी दिहल पैसा से हमरे दू गो बहिन के घर बस गए, जौना खातिर हम आपके एहसानमंद रहब, एहसानमंद रहब मैडम। चलो तन मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। ला। अरे माई अब अरे का हो गेल बा? शहर में खाना ना नहीं मिलत रहे का? इतना दुबरा गेल बाड़े। वैसे भी आजकल तू हमार बात ना मानेला। का बात ना माननी हमारी तोर? तोहर दोनों बहन के घर बस चुकल बा। अब तनी अपने बारे में सोचा, अपने शादी ब्याह के बारे में सोचा। अब कबले हम रोटी बनाई और तोहरा के खियाई। साक्षी की सारी शर्तों के साथ आज से आप लोग 6 महीने के लिए पति पत्नी हुए। समझ के तू खेल गई लो सनम, प्यार के खेल समझ के तू खेल गई लो सनम। तोर दिहालू तू सचहु सगरो, हमरे दिल के भरम
तोर दिहलू तू सचो सगनो हमरे दिल के भरम प्यार के खेल समझ के तू खेल गई नू सनम इतना मिलल बचनिकी भर भराइना लाख मांगब तबो भी मौत हमके आइना घाव इतना मिलल बचनिकी भर भराइना लाख मांगब तबो भी मौत हमके आईना अब ततन हाई से नाताबा साथ के दिल न बगम प्यार के खेल समझ के तू खेल गई नो सनम प्यार के खेल समझ के खेल गई नो सनम एक नजर प्यार से हमके देखा लेना दिल के जज्बात का होना वो समझ लेना एक नजर प्यार से कबहु हमके देखा लेना दिल के जज्बात का होना वो समझ लेना रब्बा केहू भी करे नहीं केहू पर इसितम प्यार के खेल समझ के तू खेल गई नू सनम प्यार के खेल समझ के तू खेल गई नू सनम दी राजू कहाँ है मेरी चाय किधर है कुछ याद नहीं खे राजू के तो अपना जिंदगी से आजाद कर देहलू और घर के सब नौकर के निकाल देहलू चाय बना के दी हम खुद बनावर पिया और हाँ आज से रात में पार्टी करे जइह तो घर के चाबी लेके जइह हम दरवाजा ना खोलब देखी ना राजू के माई ये राजू खातिर लड़की एकदम फिट बाड़ी हम कुंडली मिला ले ले बानी कहीं से कुछ काटे लायक नहीं के एकदम सीता राम जैसन जोड़ी बाटी एकदम सही कहा तानी बहुत सुंदर बिया बेटा राजू ई देखा था
राजू मेरी घड़ी किधर है? राजू शिट यार, राजू तो है ही नहीं, मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा, क्या करूं, किससे पूछूं? फोन करती हूँ राजू को। मैडम अब ठीक बमाई तोरा के जौन निक लागे कर हम आवत हैं। ठीक बा पंडित जी, आगे बात बढ़ाए। हेलो राजू, मेरी घड़ी किधर रखी है? ड्राइंग टेबल के ड्रायर में बटे। ओके अच्छा, मेरा ब्रेसलेट किधर रखा है? अलमारी में। ओ हाँ राजू, मेरी परफ्यूम्स किधर रखे हैं मेरे? अरे परफ्यूम पीछे वाला ड्रायर में होई, जाके देखी। और बार बार फोन मत करो हमरा के, हमरा खाता नहीं। क्या मेरा फोन रख दिया? फोन कट किया? तुमने मेरा फोन कैसे काटा? ए मैडम जी सुनी, हमने का 6 महीना वाला ही ब्याह का एग्रीमेंट खत्म हो गए बा। अब हम आपको पुरान किराए वाला पति नहीं खी, तब बेहतर बाटे कि दोबारा हमरा के फोन मत करिया। फोन काटा? बास्टर्ड। एंजॉय नहीं कर रही, राजू को मिस कर रही है ना? क्या राजू 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 लगा रखा है, जिसको देखो राजू राजू राजू, पागल हो गए सब। तूने तो पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया। राजू राजू राजू, हर कोई राजू राजू करता रहता है, इन लोगों को क्या लगता है मैं अपना दरवाजा नहीं खोल सकती? लो खुल गया दरवाजा, बंद भी हो गया। राजू को क्या लगता है उसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकती? गिर गई। तो क्या हो गया, मैं उड़ जाऊंगी? करते है क्या साला, हाथ ही तो लगाता था बस। और मैं उसको छूने नहीं देती थी, डोंट टच। मैं उड़ गई। चाबी उठा ली, चाबी इसको चाहिए राजू, चली जाऊंगी मैं। इसको देखो राजू राजू। ए क्या है रे, क्या राजू राजू, तू बता क्या तू राजू के बिना जी सकती है? नहीं, झूठ। सच, ये सच है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी लिपस्टिक कहाँ है, तेरा परफ्यूम कहाँ है, हर चीज के लिए राजू राजू राजू। देख क्या हो गया है, कल तक राजू तेरा गुलाम था और आज तू राजू के आदतों की गुलाम है। तू राजू के बिना जीरो है, जीरो साक्षी, जीरो। खाली पेपर है पढ़वा कि साक्षी के बारे में कुछ सोचबो करवा? अरे बेटा क्या हुआ साक्षी, इतना उल्टी क्यों कर रही हो? उल्टी ना करी तो का करी, रात भर दारू पिए ले भी, जल्दी फोन करा डॉक्टर के बुलावा। अच्छा अच्छा मैं घबरा मत, अभी अभी लगाओ तनी। Oh
साक्षी बेटा जरा सांस लो। साक्षी बेटा डोंट वरी, जरा बाथरूम में जाओ और चेक करके आओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जमुना दास जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो 2 मिनट में आपको नाना बनने की खुशखबरी मिल सकती है। भगवान की बहुत बहुत कृपा। हे भगवान, ओ गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। बच्चा, मैं किसी के बच्चे की मां नहीं बन सकती। हेलो डॉक्टर, मैं आ रही हूं बच्चे को अबॉर्ट करने। अच्छा डॉक्टर साहब, नाना बन जाए नू? अरे 100% जमुना दास जी। राधे राधे। अरे साक्षी बेटा, कहाँ जा रही हो? डैड, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हाँ? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ इसका ऑपरेशन कराने। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मारना चाहिए था। मैं पूछता हूँ किस हक से तुम बच्चा गिराने जा रही हो? माँ के हक से। तुम्हारी अकेले का इस बच्चे पर अधिकार नहीं है। तुम माँ हो तो मैं इसका नाना, और राजू इस बच्चे का बाप। तुम खुद को माँ कहती हो और इस बच्चे को मारना चाहती हो। माँ बनने से पहले अपने भीतर माँ की ममता लाओ। नारी का मतलब समझो। नारी एक माँ के साथ साथ एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है। इस धरती पे देवी देवताओं के जैसे अनेक रूप है, वैसे नारी के भी है। इसीलिए शायद नारी को एक देवी का दर्जा दिया गया है। साक्षी, तुम्हारे ये मॉडर्न तौर तरीके प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते बेटा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नारी ही कर सकती है, पुरुष नहीं। बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी चीजें मानी हैं। यहाँ तक कि मैंने दामाद भी अपने लिए खरीद कर लाया, लेकिन आज मेरे नाती की बात है। ऐसा ना हो कि भगवान करे एक दिन मैं अपने लिए नाती और तुम्हारे लिए बच्चा भी खरीद कर मुझे लाना पड़े। खबरदार, जो इस बच्चे को गिराने का ख्याल भी मन में लाई तो। बेटा, लैके नैहर में 2 ही बार रोवेली हो, एक बार बचपन में खिलौना खातिर और दूसर विदाई के समय अपना माई बाबूजी खातिर। अब भी वक्त बा बेटा, तू अपन घर के बचा ला। राजू बहुत अच्छा लड़का है, ओकरा पता चली अपना बच्चा के बारे में तो वो तुहार सब गलती भुला के तोहरा के माफ कर दी। जा बेटा, एक घर के बड़ बुजुर्ग होके के नाते हमार फर्ज रहल है तोरा के समझावे की। आगे तोहार मर्जी। ता मन नी ना
डैड मुझे विदा नहीं करेंगे? बेटी क्यों नहीं विदा करेंगे? मुझे तो इसी दिन का इंतजार था बेटा, तुमने मुझे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया। दादी खुश रहा, सदा सुहागन रहा बिटिया। उनके रंग में चनरी रंगाइब, अब न कब होने न चुराइब, नाता जन्म जन्म के निभाइब, अपने राम से अपने राम से भगवान से अपने राम से भगवान से। अभी फलवा चढ़ाई, महाकाय सूर्य कोटि समर्पण कुर्मदेव सर्वकारिषु सर्वदा। बारह तारीख के शुभ मुहूर्त निकलल बा जजमान, रउआ लोग खुशी खुशी जाए, अब बियाह के तैयारी करी। अरे पंडित जी, अच्छा अच्छा, आराम खुश रह। हाँ। अरे इकुल के का जरूरत बा? हाँ रख ला। जाए रउआ सबे बिया के तैयारी करी, समझी कि रउआ घरे साक्षात लक्ष्मी आवत बाड़ी। तो रउआ लो एक मिनट पंडित जी। राजू ये क्या ड्रामा चल रहा है? राजू बेटा ये लड़की के है? हमके नहीं पता माई। पता नहीं, मैं बताती हूँ माँ जी, मैं इसकी पत्नी और आपकी बहू हूँ। बहू कहाँ बुलाती आई? अब माई लेके झूठ बोलती है। झूठ बोल रही हूँ मैं? झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाओ अपनी माँ की कसम और बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। ओए! अगर हमारा माई के बीच में ले आई लेना तब मारा थपरा से मुंह लाल हो जाए। शादी शादी कर रही है ना, तो सुन शादी हुई थी हमारी, पर कैसे हुई थी याद है ना? अरे एक ऐसी शादी जिसमें तुम पत्नी नहीं पति की भूमिका में थी और मैं तुम्हारा पत्नी बन करके था। अरे मैडम जी आपको क्या पता शादी क्या होती है? शादी दो जिस्मों के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसे एक पंडित गांव और समाज के सामने सात वचनों से बांधता है, जिसमें दो अजनबी लोग एक साथ मिलकर एक सफर की शुरुआत करते हैं। और आप, आपने क्या किया? अरे आपने तो अपनी शादी को सात शर्तों के साथ शुरू की थी। शर्त कि मेरी शादी कोर्ट में होगी,
शर्त कि मेरी शादी 6 महीनों के लिए होगी, जिसमें मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगा और आप मेरी पति बनकर रहेंगी। अरे आपको क्या पता कि शादी क्या होती है? शादी के बाद दो जिस्म मिलकर के एक नए जीवन का आधार बनते हैं। लेकिन आपने क्या कहा था? याद है आपको आपके शब्द कि राजू बंद कमरे में मेरे सामने 3 फीट की दूरी पर है ना, और मेरे दोस्तों के सामने 6 फीट की दूरी पर। हमारी और तुम्हारी ये जो 6 महीने की शादी थी वो खत्म हो गई है। और खत्म होते ही तुमने क्या कहा था? राजू तुम बहुत अच्छे हो, तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं जीत पाए, तुम मेरे पति नहीं बन सकते हो। गलती ना तुम्हारी थी ना गलती मेरी थी। तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने तुम्हें अपने आप को बेचा। तुम्हारे पास पैसे थे और मेरे पास मेरी मजबूरियां थी। दरअसल वो सब एक ड्रामा था, पर यहां कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। यहां मेरी शादी चल रही है और ये शादी मैं करते रहूंगा। तुम यहां से जा सकती हो। पर राजू, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। राजू, उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी, कैसे लाते हो मेरी सौतन। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। हेलो बिटिया, तू ठीक से पहुंच गई लूना? वहाँ सब ठीक बानू? नहीं दादी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। राजू एकदम बदल गया है, वो दूसरी शादी कर रहा है। बेटा तू तो हिम्मत मत हारिया, ये लड़ाई कोनो संपत्ति के ना, तोहरे सिंदूर के बा। और ये देश के नारी अपना सिंदूर के रक्षा करे खातिर स्वयं यमराज से लड़ ले बाड़ी। फिर इंसान के का औकात बा? बेटा ये लड़ाई में यहाँ से तोहरा साथे केहू ना जाए, ये लड़ाई तोहरा खुद लड़े के बा और जीते के भी बा। हमनी के कुछ दे सकीले तो तोहरा के आशीर्वाद दे, और तू अपन ख्याल रखिया बेटा। अच्छा बेटा फोन रखता नहीं, तू अपना और अपन होके वाला बच्चा के ध्यान रखिया। पता नहीं राजू के का हो गई। हाँ आपने सही कहा दादी, ये लड़ाई अगर धन दौलत की होती तो मैं एक बार हार मान भी जाती, लेकिन बात मेरे सिंदूर की है और मैं हार नहीं मानूंगी। राजू बेटा, माई हम दोनों से ही बात छिपाऊनी, हमरा के माफ कर दिया माई, हमरा के माफ कर दिया। बेटा तू माफी काहे मांगा तारा? आज हमरा के तारा त्याग के बारे में जान के, तारा बहन से तारा बहन के प्रति प्रेम के बारे में जान के हमरा के गर्व हो रहल बा। हम अपना आप के बहुत खुश नसीब माना तानी कि तोरे जैसन लेका हमरा कोखी से जन्म लेलस। हाँ भैया, राखी के कर्ज तू अपना के बेच के चुकावला, भगवान हर बहिन के तोहरे जैसन भाई देस। राजू वो लड़की के का होई? हाँ राजू, निर्मला ठीक कह दिया, लड़की के का कहल जाए। ब्याह तम कोनो भी कीमत पक्का के रहब माई। अच्छा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। देखले माई असली आरती ये करी है का हो कह तो वोडका के संग चखना मंगवा दी, मछली तलवा दी तोहरा खाते हैं। अरे एक नंबर का नाटकी हरे, भाग यहाँ से। Oh, my God.
भजन से तो काम बना नहीं, क्या करूं? भोजन ट्राई करती हूँ लेकिन क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। लिट्टी चोखा बनाती हूँ, राजू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाऊंगी कैसे? आइडिया, नेट पे देख के बनाती हूँ, अब तो मैं राजू का दिल जीत के रहूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हमको खाना बनाना है। हमरा घरे चूल्हा पे खाना बनेला, चूल्हा देख ले बारू आज तक? नहीं, देखा तो नहीं है, पर देख लेती हूँ। हाँ, देख लिया, एक ब्लैक है और एक वाइट। ठीक बा, बनावा, जौन मन करे। हमको सारे परिवार के लिए खाना बनाना है आज। का बनेबो? लिट्टी चोखा बनाऊंगी, नेट पे देख के। ठीक बा, बनावा, जौन मन करे करा। जो भी हो, आज तो लिट्टी चोखा बना के रहूंगी, राजू का दिल जीतना है मुझे। नमस्कार, हम चोखा सिंह स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मेक डिलीशियस लिट्टी चोखा विद चोखा सिंह। हाँ, तो सबसे पहले भैया भौजी माता बहन जे भी बनावत होके लिट्टी चोखा, सबसे पहले उपला नहीं। उपला? उपला क्या होता है? उपला नहीं बुझे, अरे भाई कोई था चिपारी, समझ में आया? बुझाया? मंगाइए। मम्मी जी। हाँ तो जी, अब अगला जौन सामग्री है वो है। मम्मी जी, अरे अब का भेल? उपला क्या होता है? चिपरी होला, चिपरी दे दीजिए। ए निर्मला, एकरा के चिपरी रखे दे। ठीक बा माई। ईला चिपरी, हाँ अलगा लिया। थैंक यू। इस प्रकार उपला जाने के बाद आटा ले, सत्तू ले, नमक ले, हरी मिर्च ले, लहसुन ले, पानी ले, टमाटर ले, जवाइन ले, मंगराई ले, और मिट्टी का तेल, और सरसों का तेल, और जलावे खातिर तो माचिस जरूर ले। जल्दी मंगाइए इसे। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे आपका भाई। मम्मी जी, आटा, मिर्ची, लहसुन, सत्तू। चुप, जान के लिए। सरसों का तेल भी दे दीजिएगा, और चिपरी जलाने के लिए मिट्टी का तेल और माचिस भी दे दीजिएगा। अरे चुप रह। ए सुगंधा, एकरा के लिट्टी चोखा बनाए खातिर सारा सामान लाके दे, और चूल्हा जलाए खातिर भी। ठीक बा। परेशान करके रखते हैं। ईला, लिट्टी चोखा बनावे के सारा सामान, और जोन कुछ बाकी बा हम लाके देता नहीं। थैंक यू डार्लिंग। वीडियो देख के खाना बना। अब अगर सारा सामान आ गया हो तो सबसे पहले आटे को हाथ में ले। अब अगर आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आटा कैसा होता है, जीवन में पहली बार लिट्टी चोखा बना रहे हैं, महानिरा निपट मूर्ख आदमी है, तो हम बताते हैं, सफेद होता है आटा और पीला होता है सत्तू। समझ गए बच्चों? इतना बताना पड़ता है कि थक जाते हैं। हाँ तो भैया भौजी आगे बढ़ते हैं, पानी और मिट्टी का तेल ले। मम्मी जी, पानी दे दीजिए। आपका भाई। पानी, पानी इलाके दे रे एकरा के, और मिट्टी का तेल। ईला पानी, ये मिट्टी के तेल, और कुछ बाकी बा तो बोला। अब मिट्टी के तेल को डालें। वैसे मिट्टी के तेल से ना हमको अपने जीवन का एक बड़ा ही रोचक वाकया याद आ गया, कि हुआ कि एक मोहतरमा थी, वो हमारा वीडियो देखकर लिट्टी चोखा बना रही थी। हमने बोला मिट्टी का तेल डालो, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिट्टी का तेल डाल दिया आटे में। आपको आटे में नहीं डालना है, आपको डालना है उपले में। ओके। अब अगर मिट्टी का तेल पड़ गया हो तो आप जलाएं। जलाइए जलाइए, अरे जलाइए ना।
जला मत जला दीजिएगा वो मूर्ख मोहतरमा की तरह। सबसे पहले ये बताइए, आप हमारा वीडियो देख रही है, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, घंटा दबाया कि नहीं, दबाइए ना प्लीज। अब उबला जल गया हो तो उसको हरा बनने दे। आप पानी को डालिए डालिए डालिए, बड़ा मजा आने वाला है। पानी को डाल दीजिए आटे में। आटे में पानी डालो तो। भगवान। अरे डालिए ना, अरे डालिए तो सही, अरे डालिए ना। लेकिन इस बात का ध्यान, डाल दिया इतना मत डाल दीजिए कि आटा जो है वो लबरी बन जाए, गूंथने तक ही डालिएगा। अब जो आगे की विधि है वो ये है, अब जो है सबसे पहले टमाटर लेंगी, हरा मिर्चा लेंगी, लहसुन लेंगी, उन सबको काट के अच्छी तरीके से, बहुत ही तरीके से काटे, जवान मंगरे ले और उसको सत्तू में डाले और बहुत ही अच्छा सा रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के उसमें सरसों का तेल भी डालिएगा और साथ में मिला के रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद जो तैयार होगा मामला। माई, ए माई, अरे सुने का है रे? अरे घरवा में इतना धुआं कैसे? लिट्टी चोखा बनता। ये देखा लिट्टी चोखा। हाँ भैया जा खा लो। ये लिट्टी चोखा बनाओ तड़ी। बाप रे बाप। एक नंबर के लिट्टी चोखा बा, हमार तो ही देखते मन भर गए, ई हम ना खाए, चावल दाल बना दे हमरा खाते, चलो हे प्राण। पेट तो हमरो भरल लगता, ओकरे खातिर दाल चावल बना देता नहीं। हाँ अच्छा हमहू ना खाए, हमरो पेट भरल बा। ऐसे कुछौ कह, खटिया पर महामारी के तरे फैल के सुतला में नींद बड़ा बढ़िया आवेला, जितना बढ़िया नींद नीचे ना आवेला उतना ऊपर आवेला, जैसी करनी वैसी भरनी। देख रहे हो ना मुन्ना, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। हे महादेव, अरे महाराज कम से कम इतना तो ज्ञान देले रहता कि लोग के ही पता होके कि लड़का जब 3 महीना का होला तब ओकर हार्ट बीट चलल शुरू होला। हे ईश्वर हे ईश्वर। बेटा तुम्हें बड़े होकर अपनी मम्मी पे हुए एक एक अत्याचार का बदला लेना है। अच्छा लड़का हमार पैदा ना भइल प्रभु, अब बाप के मारे के सुपारी दिया लागल लोग के, घोर कलयुग प्रभु घोर कलयुग। मुन्ना मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी, अपनी माँ के दूध का कर्ज पूरा करना है, अपनी मम्मी पे हुए अत्याचार का बदला लेना है। बेटा टेंशन मत ली है, तोरी माई तोरा के दूध पिए है कि ना पिए ओकर कोनो गारंटी नहीं खे, बाकी तोरा खाते दूसर महतारी का व्यवस्था हम कह दे बानी, वो तो पक्का दूध पियाई। लात मत मार मुन्ना, ताकत बचा कर रख, बाहर बहुत लात मारनी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाहर बहुत लड़ाई है, यलगार हो मुन्ना यलगार हो। हे महादेव,
बारे अमेरिका रिटर्न। ए भगवान, कौन स्कूल में पढ़ले हो सर जोना के ई जानकारी नहीं थे कि लड़का जब पांचवा महीना में पहुंचे न सर तब लात मारे न सर। अब एक डेढ़ महीना का लड़का कैसे लात मारी। खैर एनर्जी वेस्ट कर बहुत बेकार बात होला। हम तो भैया नींद आवता चलनी सुनते। गुड नाइट भगवान जी। परसों बारात जाई और तू खाली देखी है।
राजू संग चंपा। अगले जन्म आना। राजू संग चंपा, ओ सौतन तुम अगले जन्म आना। ओ, ओ, सब टूट गया। मम्मी जी, दीदी जी, जल्दी आइए। देखिए ये सब क्या हो गया। का भाई, का भाई। मम्मी जी, ये सब टूट गया। ये देखिए, राजू संग चंपा, ओ सौतन तुम अगले जन्म आना। बाप रे। मम्मी जी, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई प्रेत का साया है। उस लड़की के पैर इस घर के लिए शुभ नहीं है। मम्मी जी, राजू की जान को कोई खतरा हो गया तो। कारे नौटंकी बाज, इका नया नौटंकी शुरू कर ले बड़े। तोरा नौटंकी कहे लोग ना पूछी, बाकी हम बुझाता नहीं। बहुत दिन झेल ले बनी तोरा के। सुन, ते कितना नौटंकी कर ले, बाकी बिया हम कह के रह बुझाइल। चल माई। गजबे बाई, चल नौटंकी बाद। माई, 21 गो साड़ी देखा, चपत के रख देले बानी। और चाची ई देखा, सात धान गहना भी बाटे। और यह लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कुल सामान बा इंकर सिंगार के। माई, ई पिंक साड़ी बड़ा नीमन लगता, केकरा खातिर वही साड़ी? ई साड़ी के तो कोनो जोड़े नहीं के। जोड़ा होयो ना सकेला माई, आखिर इलियाल बा तोरा बहू खातिर। चंपा के फोन कैले रहनी है तो कहत रही है कि ओकरा के पिंक कलर बहुत पसंद बा, ताही पिंक वाली साड़ी ओकरा कहले पले। अच्छा, तो भौजी खाती बड़ा नीमन साड़ी ले ले बड़ा। हां माई, ये घर के होखे वाली आन बान शान बिया तो ओकर तक ख्याल रखे के पड़ी ना। चलो तो लोग अपन काम करे जा, हमरा के दूसर काम बाटे है ना। बढ़िया से सरिया करके बंद कर। सब तो मेरी पसंद का टेंपे की बेचे। हां सहरा बंद
के दूल्हा तो बन गया, लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी सौतन की मांग में सिंदूर भरेगा। जा रही हूँ मैं भी बारात में। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम कुंडलिकाक्षाय, मंगलाय तनोहरी, कन्या के बुलाई। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, नीले अक्षत दुर्गा क्षमा स्वादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अग्नि में प्रवाहित करी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक साधिके, चरण नेत्र के गौरी नारायणी नमस्तुते। सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम कुंडलिकाक्षाय, मंगलाय तनोहरी। अब सिंदूर दान करी। नमामि विघ्नेश्वरम पादम पंकजम। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वदात्री। राजू रुक जाओ, राजू राजू, आज मैं आखिरी बार तुमसे पूछने आई हूँ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम ये शादी करके ही रहोगे? अरे हम खुश ना, बहुत खुश बानी है शादी से, और ये शादी हम करके रहा। बहुत पीछा किया मैंने तुम्हारा, दिल्ली से लेके गांव तक, पर अब नहीं करूंगी, क्योंकि तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थक गई मैं, लेकिन अपने आंसुओं की लड़ी से हमारे इस टूटे हुए रिश्ते की कड़ी को नहीं जोड़ पाई। याद रखना राजू, हमारा ये रिश्ता पेपर पे जुड़ा था और पेपर पे ही टूटा, लेकिन ये रिश्ता मेरे दिल से कभी नहीं टूटेगा। भूल से ही सही, मेरी कोख में पल रहे हमारे इस रिश्ते की निशानी को मैं जन्म दूंगी, और इस दुनिया को बताऊंगी कि प्यार का रिश्ता ना तो पेपर पे जुड़ता है और ना ही पेपर पे टूटता है। ये तो ऐसा बंधन है जो दिल से जुड़ता है और सांस टूटने पे ही टूटता है। जा रही हूँ राजू, अपनी कोख में तुम्हारा अंश लेके मैं इसे जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी। अब तुम्हारी परछाई मैं इसमें देखूंगी। गैर तुम हो जाओगे, बेगानी मैं नहीं। अपने नाम के आगे किसी और का नाम तुम जोड़ोगे, मैं कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। तुम्हारे नाम के सहारे ही जीऊंगी मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना। बस इतना ही कहना था, अब जा रही हूं मैं। साक्षी, साक्षी
अरे कम से कम जाए से पहले एक बार अपनी होखे वाली सौतन के चेहरा तो देख ला। अरे बेटी साक्षी, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए हो रहा है और आगे का जो है वो राजू बताएगा। साक्षी, तू हमरा के अपना घर से निकाल दे। तुहरा निकलने के बाद जब हम गांव में आएंगे तो तुहरे याद से ना निकल पाओ, लेकिन घर परिवार भी कौन चीज होला। माई की जिद के आगे हमके झुके के पड़ल और शादी खातिर हाँ करे के पड़ल। फिर देखा जहिया हमारे बार अच्छा चढ़त रहे वही दिन तू आ गई लू और हमन के मुगल रिश्ता के एक बार फिर से जिंदा कर दे। अब गांव समाज और हमारा पूरा परिवार के पता चल गया कि हमन का ब्याह भइल रहे। और फिर माई दूसर ब्याह करे के तो हमरा मन में रहबे ना कइल, वो तो बस तोरा खुशी खातिर करत रहली। और अब तो साक्षी भी आ गइल बड़ी, तो जेकर बार अच्छा लेल बनिया ओकर बार अच्छा बुला के लौटा दिया। बात तो एकदम सही कहा तारा, बाकी जंगल में मोड़ ना चल के देखलस। तू ब्याह भी कहला तो ऐसे कि गांव ज्वार में केहू के पता भी ना चलल। अब हम चाहता नहीं कि तुहार ब्याह ऐसे होखे कि गांव ज्वार में सबके पता चल जाए। जरूर मैं, धूमधाम से ब्याह हो और सबके पता चले। लेकिन एक बात, ए बात के पता साक्षी के बिल्कुल भी ना लागे के चाहे। उनका के यही लागे के चाहे कि हम दूसर ब्याह करत नहीं। ठीक बा, तई रहल है हमनी के प्लान। अरे बेटा साक्षी, राजू के इस प्लान में हम और दादी भी शामिल थे, रोज फोन पर अपडेट लेते थे। साक्षी बेटा, कागज के एग्रीमेंट पर घर होला, जमीन होला, जायदाद होला, शादी ना होला। अब तहार शादी होई। आप सही कह रही हैं दादी, हल्दी तिलक शादी के रस्म रिवाज क्या होते हैं ये सब मैंने गांव आके सीखा दादी। मैंने बहुत कुछ मिस किया दादी, गांव आके मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया दादी। जजमान, शादी के मुहूर्त निकलल जाता, दुल्हन के तैयार कर जा। एक मिनट। चुटकी भर नहीं, मुट्ठी भर सिंदूर भर। कुछ याद आई तो बताओ, वो ठीक रहा था कि ये। जीत रहा, गोल लगा तेरे भाई, खुश रहा। भैया, हम दुनिया का पहला ऐसा मनई बानी जे सुहाग रात मनावे के पहले ही बाप बने वाला बा। यकीन मानो हमें हमार कोनो गलती ना रहे, जवन रहे सभी नहीं का गलती रहे। बाकी आज हम करे जातानी,
गलती। तोहरा बिना हम रही अधूरा हरानी हो, तोहरे ना भी कोई देले बानी जिंदगानी हो। तोहरा बिना हम रही अधूरा हरानी हो, तोहरे ना वे कोई देले बानी जिंदगानी हो। बस पूजी ले कही पारा ए धनी हो, तू ही हमारे जान बारू, तू ही भगवान। ए धनी हो, तू ही हमारे जान बारू।